अब स्विमिंग पूल में नहीं भाई, कोई कह नहीं सकता कि हम कावड़ पे आ रहे फुल मजे ले रहे स्विमिंग पूल में 50 रुपए में एक घंटा। तो बोलो क्या हालचाल, सभी के स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो भाइयों अभी हम रुके हुए हैं मुजफ्फरनगर पर, अभी थोड़ी देर तक हम शिव चौक पहुँच जाएंगे और ये ब्लॉग भी शिव चौक का ही है, तो शाम को परिक्रमा मार देंगे हम। और अभी जा रहे हैं हम भंडारा खाने, महंगाई बहुत हो रही है भाई। और अपने साथ के अमन अमन जो 5 रुपये गुटका वो मिल रहे हैं 20 के 3 देख लो। और जो अमन अमन हो रहा है वो पहुँच गए शिव चौक, हम थोड़ा पीछे हो गए क्योंकि हमने थोड़ा रात को रेस्ट वेस्ट कर लिया था, पर कोई बात नहीं, हम भी उनको 2-3 घंटे में पकड़ लेंगे। क्यों भाई? तो अभी भंडारा खाने चलते हैं, पहले तो भूख लग रही है बड़ी तेज, जो टाइम है पहले पेट पूजा कर ले फिर आगे की ओर चलेंगे। ठीक है भाई, और फिर नहाएंगे आएंगे भी, 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे शिव चौक। निकल रहे हैं भाइयों अब यहाँ से कावड़ उठा के हम शिव चौक के लिए। तो अभी फ्रूटी और एक पानी की बोतल दिया हमें। भाइयों 1 घंटा हो गया हमें चलते चलते, पर अभी शिव चौक के लिए ही रुकेंगे अब सीधा हम, और अगर बीच में भी रुकते हैं तो देख लेंगे जैसे भी होगा अपने साथ। और बाकी हम अपने सारे बोले तो आगे हम तीनों ही पीछे बचे, बस बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी शाम तक हम शिव चौक पहुँच जाएंगे, अभी 3:30 या 4 का टाइम हो गया होगा, हम 3 बजे निकले थे, 3:30 तो हो गए थे, 4 बज गए होंगे जरूर। वो अभी फिर शिव चौक पर ही रुकेंगे आपको सीधा भाई। कावड़ झुलाने का टाइम आ गया भाई। अब स्विमिंग पूल में नहीं, नाओ बोले बादल और उन्हें सोच ही नहीं रही। ये आए मरेगा बोले गाय मारते रे मैं वो पानी में से पकड़ ले बोले बोले ए ए भाई बनाइयो मरिंडा भाई जरा मरिंडा भाई इतना गट्टी भाई चलो भाई अभी फोन के साथ ही जाता मैं।
अब हमारी नाने की बारी। कोई कह नहीं सकता कि हम कावड़ पे आए हैं। फुल मजे ले रहा स्विमिंग पूल में, 50 रुपए में एक घंटा। तो ये था भाइयों अपना नया ब्लॉग, पेंडिंग ब्लॉग था ये, और मैं रीज़न भी बता देता हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं। तो अपन कांवड़ यात्रा पे गए थे और आपने ब्लॉग देखे भी कांवड़ यात्रा के, तो उसके शिवचौक के पहुँचने का ब्लॉग है। शिवचौक हम पहुँचने वाले थे, ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके थे, बट हमें रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें दिख गई जिससे हमारा मन बहलाया। तो क्या चीज़ थी, हमारा बहुत चौथा पाँच नहीं एक हफ्ता शायद, एक हफ्ता नहीं यार, तीन चार पाँच दिन हमें हो गए थे मुजफ्फरनगर लगने में। उससे पहले हम निकले थे, बाकी आपने ब्लॉग तो सारा सीन देखा ही है। हमें स्विमिंग पूल मिला बीच में, और समझ लो ये जो अभी इससे पहले जो क्लिप थी वो लास्ट क्लिप थी इस ब्लॉग की, क्योंकि उसके बाद मेरा फ़ोन पूल में गिर चुका था। क्योंकि हम कम से ना कम 10-12 बंदे थे, आपने वो देखा ब्लॉग में, उन 10-12 लोग में सब नहारे इधर उधर, मेरे फ़ोन पे पानी गिर रहा था, पर मैं फिर भी ब्लॉगिंग कर रहा था, मैं रुका नहीं। पर उसके बाद कोई मेरे ऊपर गिर गया, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर मेरा फ़ोन पानी में गिर गया। कम से कम 10-15 मिनट तो फ़ोन ढूंढने में लगे, पर वो ब्लॉगिंग भी अब मैं इसी फ़ोन से ही कर रहा हूँ, जो 10-15 मिनट लगे हैं ना इसको ढूंढने में, मैं भी ब्लॉगिंग इसी से ही कर रहा हूँ। अब ठीक हो या तो मैंने डाला ब्लॉग, ठीक हो तो ही मैंने डाला है, और सब दोस्तों को अपने फ़ोटो वोटो सेंड करी है मैंने, बट कोई बात नहीं, इसको चलने दो, और ब्लॉग अब आएंगे, ज़रूर आएंगे, रुकना नहीं है बाबे, रुकना नहीं है। और अपने कार्तिक भाई का चैनल भी फॉलो करो, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी आएगा। बाय, जय भोलेनाथ।